नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तीर्थ क्षेत्रों से शराब और मांस की दुकानें हटाए जाने के बयान का रामनगरी के संतों ने न सिर्फ स्वागत किया है बल्कि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया है। बता दें, रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि मुख्यमंत्री से हम निवेदन करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में शराब और मांस बंद कराया जाए और जितने भी धार्मिक स्थल हैं सभी धार्मिक स्थलों पर इसको बंद करा देना चाहिए। संतों ने अयोध्या में भी इसकी मांग की है। तो ऐसे में बीते दिनों बता दें जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया था, ये बातें कही थी कि अब मथुरा के कई जिलों में, कई इलाकों में जो है वो शराब नहीं बिकेगी, साथ ही मांस पर भी बैन लगाया गया है, नहीं बिकेगा मांस। तो ऐसे में अयोध्या के संतों ने अब जो है मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है, साथ ही कहा है कि ऐतिहासिक और ये बहुत अच्छा फैसला है और साथ ही इस फैसले को अयोध्या में भी लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करें कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मांस मदिरा बंद करें, क्योंकि किसी क्षेत्र में यदि इस प्रकार से होता है तो उससे जब देखो कहीं कोई शराब पीके मर रहे हैं, तमाम घटनाएं ऐसी हो रही हैं। इसलिए एक ही उपाय है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसको मांस मदिरा को बंद करा दिया जाए। यदि बंद करा दिए जाते हैं तो जो आज घटनाएँ होती हैं शराब पी के मरने वालों को समाप्त हो जाएगी। केवल मथुरा की न, मथुरा के भी वो मथुरा और वृंदावन ये सब जगह का यदि वो बंद करते हैं मांस मदिरा तो बहुत अच्छी बात है। जो जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं सभी धार्मिक क्षेत्रों में मांस मदिरा बंद कर लेना चाहिए। मथुरा में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने अंडा मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाने की बात कहा है, उसका हम साधु संत धर्माचार्य स्वागत करते हैं। ये अच्छी पहल है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी जो शास्त्रीय सीमा 84 कोस की है वहाँ अंडा मांस मदिरा नहीं बिकना चाहिए। अब मुगल काल के पहले किसी भी धर्म स्थलों में नहीं बिकता था। अभी जो जब मुगल काल में मठ मंदिर तोड़े गए उस दौरान ये शुरू हुआ है और अब योगी जी का जो पहल है वो निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं उनकी जो शास्त्रीय सीमा 84 कोस है वहाँ अंडा मांस मदिरा बंद। योगी जी को साधुवाद, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज ने कहा कि जहां भी धार्मिक जगह है वहां पर मांस और मदिरा बैन किया जाए, स्वागत योग्य है। मैं उनको साधुवाद देता हूं। हम लोग लगातार अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि, जन्म धरती, जैसे आप अयोध्या प्रवेश करेंगे प्रवेश द्वार पर ही ऐसी व्यवस्था है। हम लोग लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं, कई बार राष्ट्रपति महोदय को, कई बार राज्यपाल महोदय को, कई बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं कि जो भी धार्मिक नगरी है उसमें इस प्रकार के जो है जो दुकानें हैं, इस प्रकार के जो मॉडल शॉप हैं, उसको बंद करना चाहिए। तमाम जगह है, तमाम व्यवस्था वहां खोली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो धार्मिक जगह है जहां पर लोगों की आस्था जुड़े हुए हैं, मठ मंदिर के बगल में, मंदिरों के बगल में इस प्रकार के जो खोले जाते हैं, मॉडल शॉप चल रहे हैं, इस प्रकार से जो क्रय और विक्रय होता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका संजय गांधी 3 दिवसीय दौरे पर आज सुल्तानपुर पहुंच रही है। बता दें मेनका गांधी का 4 बजे से असरोगा टोल प्लाजा पर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत किया जाएगा और उसके बाद शहर के वार्ड नारायणपुर में बलराम दुबे के यहां आयोजित रामचरितमानस पाठ और बहरी भोज में 4:30 बजे वो शामिल होंगी। तो बता दें आज से 3 दिवसीय दौरे पर मेनका गांधी सुल्तानपुर पहुंच रही है और ऐसे में तमाम कार्यक्रम उनके 3 दिन के दौरान किए जाएंगे। आज बता दें 4 बजे मेनका गांधी सुल्तानपुर पहुंच जाएंगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता सम्मेलन लखीमपुर खीरी कस्बे में संपन्न हुआ। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उपाध्यक्ष सलमान मलिक और पार्टी के लीडर डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही पार्टी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर संगठन के गठन की बात कही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि AIMI के आने के बाद उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा सहित तमाम उन पार्टियों में बेचैनी दिख रही है जो
पार्टियां मुसलमानों को अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं। उन्होंने कहा कि AIMIM मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है और मुसलमान एकजुट हो जाएगा तो देश की सियासी तस्वीर बदल जाएगी। तो बता दें, लखीमपुर खीरी में AIMIM कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया। इसमें ऐसे में डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मेरे भाइयों, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि हया अला सला की सदा मस्जिदों से गूंजती है और हमें हुक्म है कि भाग करके हम मस्जिद की तरफ जाएं। हम घरों में भी नमाज पढ़ लें, लेकिन मस्जिद में आप नमाज पढ़ोगे तो 70 गुना आपको सवाब ज्यादा मिलता है। आप यानी इत्तेहाद में ताकत है, इत्तेहाद में फायदा है, इत्तेहाद में ही अल्लाह की मदद आती है। इसलिए हुक्म है कि जब अजान हो, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो आप मस्जिदों में इकट्ठा हो जाए। तो मेरे भाई, मैं आपसे यही कहूंगा कि मुत्तहिद होकर के, मुनज्जम होकर के, एक परचम जम्हूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। अयोध्या में संत समाज ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्र गिरी महाराज के बयान का समर्थन किया है। बता दें, जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि उनका बयान सही है और तर्क संगत है। मुनव्वर राणा भी तालिबान के समर्थक हैं। ऐसे में मदरसों से हथियार और आतंकियों के पकड़े जाने की खबर आती रही है। देश में मदरसों और अंदर जिहाद और आतंकियों की ट्रेनिंग होती है और ऐसे में मदरसे देश के लिए खतरा है, मदरसे बंद होने चाहिए। वहीं बता दें, हरिधाम पीठ के महंत जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने कहा कि समाज में अब मदरसों की जरूरत नहीं है। शिक्षा में धार्मिक कट्टरता हो तो वो शिक्षा नहीं कही जाती। भारत में शिक्षा का अर्थ आत्ममुक्ति का साधन है और ऐसी कोई भी संस्था जिसमें कट्टरता हो उसको बंद करना ही चाहिए। वहीं शिक्षा सभी धर्मों पर आधारित है, ऐसे में मदरसों को बंद किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब मदरसों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई शिक्षा केवल धर्म के प्रति हो और उसमें कट्टरता उत्पन्न करे तो मुझे लगता है कि उसको शिक्षा नहीं कह सकते हैं। हमारे यहाँ की शिक्षा का मूल मंत्र है सा विद्या या विमुक्त है, जो आत्ममुक्ति का साधन है, जो शीलता और दैन्यता की पराकाष्ठा को प्राप्त कराती है। ऐसे किसी भी संस्थान के लिए जिनमें आपको कट्टरता दिलाई जाए और आतंकवाद जैसे विचारधारा उसमें परिपूरित कराई जाए, मुझे लगता है कि इनको बंद करके, और यतीन्द्रनाथ जी ने सही कहा है कि सरकारी संस्थान जो चलाए जाते हैं उनके हिसाब से, कि जिसमें सारे धर्म के लोग एक साथ आकर के और जो शिक्षा है जो सबके लिए बराबर है उसका पालन करा जाए, उसको पढ़ा जाए। अब मुझे लगता है कि अब इस समय में ऐसे मदरसों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, यह है उनका बयान सही और तर्क संगत है। जब मुनव्वर राणा जैसे लोग आतंकवादी तालिबानियों का समर्थन करते हैं, शफीकुर रहमान जो है आतंकवादी तालिबानियों का समर्थन करते हैं, और कई बार ये देखा गया कि मदरसों में जो है तो हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, कई बार जो है तो मदरसों से आतंकवादी निकले हुए पकड़े गए। तो पूरे देश में जितने मदरसे चल रहे हैं, मदरसों में सिर्फ जो है आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है और जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। अब यही कारण है कि आए दिन लव जिहाद और ये जो सब बढ़ रहा है, जो अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, और प्रायः देखा जाता है कि अन्य धर्मों को मानने वाले लोग जो है तो 2-3 बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा करते हैं। जहां एक तरफ देश में कोरोना फैला है तो वहीं प्रदेश में कोरोना से ज्यादा तो जहरीली शराब फैल चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। जब उत्तर प्रदेश में आए दिन जहरीली शराब के मामले बार बार सामने आ रहे हैं, जहां युवा भी जहरीली शराब की चपेट में आ रहा है। अगर यही आलम रहा तो ये जहरीली शराब धीरे धीरे हर युवा को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब से मौत का तांडव जारी है। ताजा मामला आगरा के शमशाबाद क्षेत्र का है, जहां पर जहरीली शराब से 30 साल के युवक की मौत हो गई। वहीं जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, वैसे ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बता दें कि जहरीली शराब की बिक्री पर आबकारी विभाग रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि आखिर यह मौत का तांडव कब तक चलता रहेगा।
बरेली क्षेत्र के डीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र अमरोहा में दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन में सलामी लेने के बाद पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और वहां पर मिली खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर जिले के सभी थानाध्यक्षों और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके अलावा पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को भरोसा भी दिलवाया कि अमरोहा की पुलिस बेहतर काम कर रही है, लेकिन आगे से और भी बेहतर काम करेगी। साथ ही अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाया जाएगा और इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाया है कि पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी है और किसी भी प्रकार के अपराध को रोकने के लिए जनता उनका सहयोग करे। तो बता दें, एडीजी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, अमरोहा वो पहुंचे थे, एडीजी अमरोहा के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर पुलिस लाइन में सलामी लेने के बाद उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और साथ ही तमाम दिशा निर्देश दिए और तमाम बातें उन्होंने वहां पर कहीं। ऐसे में उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन जो भी वहाँ पर खामियाँ हैं, जनता की जो भी परेशानियाँ, उनको जल्द से जल्द जो है वो दूर किया जाए। और ऐसे में बता दें, उन्होंने क्षेत्र की जनता को ये भी भरोसा दिलवाया है कि पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी है और किसी भी प्रकार के अपराध को रोकने के लिए जनता उनका सहयोग भी करे। ये अपील उन्होंने जनता से की है। उसमें हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रजिस्टर होता है, परमानेंट रजिस्टर, जिसको रजिस्टर नंबर 8 कहते हैं। उसके भाग दो में सारे अपराधों का इतिहास रहता है। उसमें भीम के कॉन्स्टेबल को बताया गया है कि पिछले 20 साल का जो भी अपराध उस गांव से संबंधित है, उसमें वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों का नाम लेकर के जाए और कहा में जाकर के दोनों पक्षों को बुला करके उनसे पूछे जिन कारण और कारक की वजह से उस समय अपराध हुआ था, उनके बीच में फौजदारी हुई थी, हिंसा हुई थी, वो विद्यमान है या हल हो गया है। देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार के दलदल में इस कदर फंस गया है कि इस दलदल से निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। जो पैसा जनता की तरफ से सरकार को टैक्स में देते हैं जनता, उन्हीं पैसों से सरकार जनता की जरूरतों का ख्याल रखती है, लेकिन क्या हो जब वही पैसा जनता को ना मिलकर कुछ ऐसे लोगों के बीच में बांट दिया जाए जिनका उन पैसों पर कोई अधिकार ही नहीं है, जिन्हें उन पैसों का उचित इस्तेमाल जनता के हित में करने के लिए दिया गया हो। इसका मतलब साफ है कि देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ों को खत्म करना अब मुश्किल साबित हो रहा है। जिस तरह से लगातार घोटालों की खबरें सुर्खियों में आती रहती हैं, उनके एक सुखद भविष्य का सपना देखना बस छलावा है, क्योंकि इसकी असलियत तो जग जाहिर है। आपको बता दें कि बलरामपुर के मेहरी गांव में बाढ़ का चांस से बचाने के लिए बारिश से पहले जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, उसमें 3,18,00,000 रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है, जिनमें प्रोजेक्ट के लिए दिए गए धन की बंदरबाद जो हुई है। प्रोजेक्ट के तहत बारिश के मौसम से पहले नदी की कटान रोकने के लिए 2 मीटर की गहराई से पिंचिंग तटबंध का निर्माण करना था, लेकिन नहीं किया गया। तटबंध को खोदकर चंद बोरियों में बालू भरकर अधिकारियों ने किए कागजात पर तटबंध बनाने का दावा कर दिया, लेकिन राप्ती नदी की तेज धारा में 3,18,00,000 बोरियों में भरा मिट्टी बालू बह गया। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से बलरामपुर में ये बड़ा घोटाला सामने आया है। अब जब बारिश का पानी बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, तो किस तरह से कटान हो रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता के पैसों की किस कदर बर्बादी की जा रही है। मामला यह है भैया कि हम लोग बाढ़ में घिरे हैं और कोनो सरकारी सहायता भी नहीं मिला है। चाचा आप पानी कहाँ से आवा है? पानी है नदी से आवा है, राप्ती नदी से महरी का तटबांध टूट गया है, वहीं से पानी आवा है। चाचा आप गाँव यहाँ का बिल्कुल प्रभावित है बाढ़। मामला यह है कि जो बाढ़ यहाँ आती है, यहाँ महरी वाला जो बंधा है उसको लोगों ने या तो काट दिया या टूट गया। टूटने का कारण थी जो है तगड़ी बांध आई, अभी पानी आया है इतना। पूरे गांव किस तरीके से पानी में डूबा हुआ है? पानी में डूबा था, आप खुद देखो कि चारों तरफ पानी है। तो कैसे आप लोग खाना पीना बनाते हैं?
तब छत खाना पीना क्या किसी तरह से एडजस्ट किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है ये 3,18,00,000 का बजट आया था हमारे यहाँ बोल्डर लगने का, लेकिन इतना बड़ा माफिया ठेकेदार को ठेका दे दिया गया कि उसने 30% 35% काम करके और सब मिट्टी ये दिए, देख लीजिए सब पूरा 2-2, 5-5 किलो बोरी में मिट्टी डाला हुआ है, वो डाल करके यानी 2 महीना उसको भाग के हो गया। ये जो मेरा बांध था पहले का जूना बांध था वही कटवा करके बोरी में डलवा दिया, कहीं बाहर से मिट्टी भी नहीं लाया। ये बाढ़ से पहले, ये जो बारिश है, बारिश से पहले ये जो कटान है राप्ती नदी का, इसको लेकर के 3,18,00,000 रुपए का बजट पास किया गया था, जिसका जिससे ECG जियो टैग करके और पूरी बोल्डर लगा करके इसको पक्की कार्य कराना था कि राप्ती नदी जो बह रही है उससे बचने के लिए, गांव में पानी ना जाए उससे बचाने के लिए ये कार्य कराना चाहिए था। लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारियों की नाकामी देखिए, लापरवाही देखिए कि उन्होंने पक्की काम ना करा करके बोरी में यही की मिट्टी खोद करके और इसी को रोकने का काम किए, जिससे राप्ती नदी ने पूरे 3,18,00,000 रुपए का जो बजट था वो पूरी नदी बहा ले गई और गांव डूबने के लिए मजबूर हो गया। ऐसे में हम दिखाते हैं कि हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या समस्या है, क्या समस्या है। समस्या यही है उस तरीके से जैसा अगर लगाए होते, पत्थर लगाए होते तो आज ये स्थिति नहीं आती, ना ही कटान नहीं होता, ना ही गांव में पानी आता। 15 दिन में बारिश के पहले जैसे बारिश आया इतना पैसा आया, कहाँ गया वो बाढ़ खंड के अधिकारी जाने, ठेकेदार जाने, मुंशी क्या क्या व्यवस्था है गांव में जब आपका ये बाढ़ आया, राप्ती नदी कटान की गांव में पानी कोई व्यवस्था नहीं है, ना पीने का पानी है साफ हमारे पास, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना खाने का, कोई अधिकारी आया, कोई अधिकारी नहीं आया ना बाढ़ खंड का, ना कोई। देख सकते हैं हमारे साथ और लोग हैं, क्या समस्या है दादा? समस्या हम लोगों को बहुत है, हजारों बीघा आबादी नष्ट भ्रष्ट हो गया यहाँ पे हमारे गांव पे बाढ़ कटने की वजह से। अगर ये बांध जो है फतेहपुर डीह से लेके इधर यानी हैदरगढ़ से लेके यहाँ पत्थर तक के महरी ग्राम सभा तक के ज्वाइंट हो जावे तो हम लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त है, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। और ये जेई बोल रहे थे कि यानी अभी बोलो तत्काल, तो मैं प्रस्ताव पास कर देता हूँ 15 दिन में बांध बन जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, ये किस तरीके से बात हुआ? वही जो बांध पुराना बना था वो बांध काट करके और खोद करके नदी में फेंक दिए, कहीं से मिट्टी अलग से लाए नहीं, इसीलिए समस्या हम लोगों को ये सब तो है। क्या ये सिर्फ सोची समझी रणनीति है कि किस तरीके से काम किया जाए? बिल्कुल रणनीति नहीं है, पूरा यानी प्लान है भ्रष्टाचार वाला, यानी कि ये महरी वाले अगर बह जाते यहाँ से तो बहुत अच्छा। देख सकते हैं गांव वाले पूरे के पूरे गांव परेशान हैं और उनका साफ कहना है कि बाढ़ खंड अधिकारी जिला प्रशासन नहीं चाहता है कि महरी गांव सुरक्षित रह जाए। अगर इसी तरीके से बाढ़ आता रहेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार से बजट आता रहेगा और बाढ़ राप्ती नदी के कटान से रोकने के लिए हम भ्रष्टाचार करते रहेंगे। और ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से 3,18,00,000 रुपए का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका। मिथिलेश कुमार, महरी गांव, बलरामपुर। बाराबंकी के दरियाबाद ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद कुमार सिंह एक पूर्व प्रधान से 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे, जिसे एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान से ग्राम पंचायत अधिकारी गांव में कराए गए विकास कार्यों के भुगतान के लिए रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत पूर्व प्रधान ने अयोध्या की एंटी करप्शन टीम से की और टीम के पहुंचने पर पूर्व ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को उसकी तरफ से मांगे जा रहे 10,000 रुपए दे दिए। रुपए लेते ही एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद टीम उसे थाने में लेकर चली गई और काफी देर तक उससे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। राम शंकर सिंह जो है इन्होंने शिकायत किया, ये पूर्व प्रधान है जी, पूर्व प्रधान है, इनकी शिकायत की है कि इनका मानदेय बकाया रहा 31,500 मानदेय और इनके द्वारा कराया गया कार्य क्योंकि पूर्व प्रधान है इनका बकाया पहले का ही है, तो उसके भुगतान के लिए कई बार इन्होंने चक्कर लगाया, उनसे कहा कि ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी हैं विनोद कुमार जी, तो वो इसके भुगतान के बदले में
10,000 रुपये की मांग की जी। तो इन्होंने सोचा कि 10,000 रुपया मैं नहीं दूंगा, आप रंगे हाथ सोचा, तो उसके इस आधार पर मेरे यहाँ प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया। प्रार्थना पत्र के आधार पर मैंने आज ये कार्रवाई किया, रंगे हाथ 10,000 रुपया के साथ रंगे हाथ आरोपी इनको विनोद कुमार को ग्राम पंचायत अधिकारी को पकड़ा गया। कार्रवाई की गई, हाँ कार्रवाई की जा रही, कार्रवाई की जा रही। उत्तर प्रदेश की सरकार का दावा, उत्तर प्रदेश सरकार करती है कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, लेकिन बस्ती जिले में गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार नहीं करवा पा रही है। बस्ती में गन्ना किसानों का लगभग 99 करोड़ बकाया है और ऐसे में बस्ती के बजाज ग्रुप चीनी मिल अच्छदमा रुथौली में चीनी मिल गन्ना किसानों का लगभग 45,54,74,000 रुपए का बकाया है। बजाज ग्रुप चीनी मिल की तरफ से गन्ना किसानों का भुगतान न करने से गन्ना किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि बस्ती जिले में सरकार की तरफ से चलाई गई सरकारी चीनी मिल मुंडेरवा गन्ना किसानों का 10,23,36,000 बकाया है। ऐसे में योगी सरकार का दावा फेल होता नजर आ रहा है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन सरकारी चीनी मिलों से गन्ना किसानों का सरकार भुगतान नहीं करवा पा रही है। जबकि सरकार दावा करती है कि गन्ना किसानों के गन्ना तोल होने के बाद भी 15 दिन बाद भुगतान हो जाएगा और तीसरे शुगर मिल वाल्टरगंज चीनी मिल 2018 में बंद हो गई थी, लेकिन जिला प्रशासन अब तक 43 करोड़ रुपए बकाया किसानों का गन्ना मूल्य का अभी तक भुगतान नहीं कर पाई है। हमारे यहाँ बलरामपुर चीनी मिल की बभनान इकाई है, उसका संपूर्ण भुगतान 32,329,09,00 है, संपूर्ण भुगतान कर दिया गया है। और साथ ही मुंडेरवा चीनी मिल का है तो 109,95,47,000 के सापेक्ष 99,93,000 किया जा चुका है भुगतान, अब मात्र जो है 9% बचा है। और बजाज हिंदुस्तान का है वो 62,76,00,000 के सापेक्ष 17,21,00,000 जो है भुगतान किया जा चुका है, अभी 27% भुगतान हुआ है और 45 करोड़ अभी अवशेष है, जिसके लिए हम लोग कार्रवाई डीएम मैडम के द्वारा और मेरे द्वारा भी नोटिस जारी की जा रही है और बार बार निर्देशित किया रहा है कि शीघ्र ही जो है इसे भुगतान संपूर्ण करें। फरुखाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें युवक देवी देवताओं के चित्रों को जलाते हुए चप्पल मार रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मानिकपुर गांव का है और वीडियो में एक व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर जला रहा है और दूसरा व्यक्ति वीडियो बना रहा है। वहीं इस मामले का राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया है कि भड़काऊ वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है और इस मामले में सीओ राजवीर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने और माहौल को खराब करने जैसे संगीन मामलों में आरोपियों के खिलाफ धारा 395 IPCC और धारा 67 IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। अगर आपका बच्चा भी मोबाइल पर गेम ज्यादा खेलता है तो आप अब अपने बच्चे पर खास ध्यान रखिए। दरअसल कानपुर के नवाबगंज निवासी चंद्रशेखर के खाते से 20 दिनों में 5,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन एक ही खाते में हुआ है। जब युवक ने इसका पता लगाया तो पता चला कि उसके बेटे ने यह पैसा ट्रांसफर किया है। बेटे ने बताया कि वो मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा था जो 2 स्टेज के बाद लॉक हो गया था और लॉक खुलवाने के लिए बेटे ने यूट्यूब से एक नंबर निकाला और उसने गेम अनलॉक करने के नाम पर पहले 750 रुपए मांगे और फिर धीरे धीरे 20 दिनों में 5,00,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। बेटे से जानकारी लेकर पिता ने कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है और मामले में अब पुलिस उपायुक्त ने बताया है कि शिकायत पत्र मिलने पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही जिस खाते में पैसा गया है उसे फ्रीज कर दिया गया है। वहीं जल्द आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वही गेम
गेम के चक्कर में उसको मैंने पैसे दिए, फिर बाद में पैसे वापस करने के चक्कर में पैसे लेते गया, लेकिन आज तक दिया नहीं उसने कभी। और अब हम लोग को धमकी दे रहा है कि कंप्लेन वापस ले लो वरना मैं कुछ कर लूँगा। पहले कभी तो कह रहा था, कुछ दिनों पहले कह रहा था मैं सुसाइड कर लूँगा, कह रहा मैं सुसाइड कर लूँगा, तुम जो करना है तुम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, जो तुम्हें जो करना है करो। तो उससे दूसरे दिन कह रहा है कि तुम कंप्लेन वापस ले लो, तो मैं तुम्हें पैसे कल पहले कह रहा था मैं नहीं दूंगा, फिर कह रहा मैं थोड़ा दूंगा दूंगा, फिर कल परसों कह रहा मैं आधा पैसे दे दूंगा, तुम कंप्लेन वापस लेके मुझे प्रूफ दे दो तो मैं पैसे वापस ले दूंगा। करीब कितने रुपये अभी तक आपसे लिए जा चुके? 5 लाख रुपये ले चुका है। अच्छा ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो गेम को आपको अनलॉक करने, कहाँ से आपने नंबर निकाला था? यूट्यूब से। क्या हुआ था गेम में जो आपने लिखा? बैन हो गया था। अच्छा, कितने दिन में ये पैसा पूरा आपने ट्रांजेक्ट किया? 20 डेज। घटना संज्ञान में आई है और इसको क्राइम ब्रांच ने रजिस्टर करके इस पर कार्रवाई शुरू की है। अकाउंट्स हमने बंद करवा दिए हैं। गंभीर विषय है, कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी, कर रही है, लेकिन अभिभावक भी इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखें। मुझे लगता है कि एक दो दिन के अंदर हम इसमें जो भी जरूरी कार्रवाई है वो कर पाने में सफल रहेंगे। नहीं देखिए, वो सबकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार में जो कुछ भी ऑनलाइन एक्टिविटी हो रही है उसको सोच समझ करके। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।